नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रतन चैनल में। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंतर्गत मैं आपके साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है उसका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैं पूरा सॉल्व करके आपके सामने लाया हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं, या फिर सीनियर असिस्टेंट के लिए, या फिर क्लरिकल कैडर के लिए, अपर पोस्ट अपर लेवल के लिए, तो वहाँ पर जो है वो आपको CCS रूल में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, अपर डिविज़न क्लर्क या कोई भी क्लरिकल कैडर का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंतर्गत CCS रूल के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, FRSR, GFR के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर जो IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको मैं छोड़ दूँगा, बाकी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है कि हु आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ RTI फ़ी। RTI फ़ी देने से कौन एक्सेम्प्टेड होते हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया है कि कोई बंदा जो SC ST है वो, या कोई 60 साल से ऊपर का है वो, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, या फिर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो। तो इसका सही उत्तर है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो, उसको RTI की फ़ीस नहीं देनी होती है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी RTI की फ़ीस जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसका चेयरपर्सन कौन है? तो उसका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है डीम्ड रिफ्यूज़ल अंडर द RTI एक्ट इज़। डीम्ड रिफ्यूज़ल क्या कहलाता है RTI एक्ट के अंतर्गत? तो ये होता है अ फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाई PIO विदिन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब जो टाइम होता है जवाब देने का, उसके अंतर्गत अगर वो जवाब ना दे पाए, कौन? PIO क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डीम्ड रिफ्यूज़ल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू प्रिस्क्राइब टू प्रेफर एन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ द CPIO इज़ रिसीव्ड। तो वो टाइम लिमिट क्या होती है कि जब हमें कोई हमारा हमने कोई RTI डाली, ठीक है, उसका हमें उस संस्था से जवाब मिल गया, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम कितने दिनों के अंतर दोबारा से अपील डाल सकते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 30 डेज़ के अंदर हम जो है वो दोबारा से अपील डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ अ सक्सेसफुल बिडर शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, कोई भी बिडर है, बिड करता है, ठीक है, जैम पे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं, ठीक है, जो हमें परचेज करना है, उसके बाद क्या होता है, बिडर बिड करेंगे, ठीक है, उसके बाद कितनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो देगा वो कितनी होगी? तो ये होगी हमारे पास में 5 से लेके 10% तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एज़ पर GFR 2017 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बी अडोप्टेड When estimate value of goods to be procured is up to। GFR 2017 के अनुसार limited tender inquiry adopt करेंगे जब estimated value कितनी होगी गुड की? 25 लाख तक होगी। ठीक है, तब क्या होगा, कुछ limited ही tender जो है वो हम क्या करेंगे, लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द टर्म ऑफ गुड्स इंक्लूड। जो गुड होता है उसके अंदर कौन कौन सी टर्म आती है? पहला ऑप्शन है ऑल आर्टिकल्स मटेरियल्स, सेकंड ऑप्शन है कॉमोडिटीज़ लाइव स्टॉक, थर्ड है फर्नीचर फिक्स्चर्स, फोर्थ है बुक पब्लिकेशन पीरियडिकल फॉर लाइब्रेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑल आर्टिकल एंड मटेरियल, कॉमोडिटी एंड लाइव स्टॉक, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, बुक पब्लिकेशन एंड पीरियडिकल फॉर लाइब्रेरी नहीं आते हैं गुड्स के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ रूल 172(1) ऑफ GFR 2017 इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर हाउ मैनी मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि GFR 2017 के रूल 172(1) के अंतर्गत
किस केस में? मेंटेनेंस के केस में जो एडवांस पेमेंट होती है सप्लायर को, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए कितने महीने तक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अमाउंट पेबल हाउ मैनी मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 6 महीने के अंदर जो है वो उसको अमाउंट जो है वो दे देनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेज टेकन इनटू अकाउंट फॉर ड्रॉल ऑफ प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस, मैक्सिमम कितना वेज ले सकते हैं? तो ये लगते हैं 7,000 पर मंथ, ठीक है। मतलब क्या होता है, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो बोनस दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना वेज जो है वो दे सकते हैं लिंक्ड बोनस के थ्रू, ठीक है। अगला बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन A1 सिटीज़, जिनका पे लेवल है 9 है और उससे ऊपर है, तो उनको मिलेगा 7200 प्लस DA, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ HBA, ये बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होगी अगर हमने रिकवरी करनी है, ठीक है, HBA से। HBA क्या होता है आपको पता होगा, HBA अलाउंस कौन सा अलाउंस होता है, HBA अलाउंस, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर पता होगा कि HBA अलाउंस कौन सा होता है। HBA अलाउंस होता है बेसिकली हाउस बिल्डिंग एडवांस अलाउंस नहीं होता, ये एडवांस जो हम लेते हैं, ठीक है। तो जब इसकी रिकवरी करनी है तो उसको मैक्सिमम 180 इंस्टॉलमेंट में हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिटमेंट फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग द रिवाइज पेंशन ऑफ 7th CPC, जो 7th सेंट्रल पे कमीशन आया था उसके अंतर्गत जो लेवल बनाए गए हैं 1 से लेके 14 जितना भी है, ठीक है, तो उसको जो है वो कितना फिटमेंट फैक्टर से यूज़ किया, तो होगा 2.57%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर 7th CPC मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इन एनी केस, किसी भी केस में जो है वो मिनिमम कितनी पेंशन देगी एज़ पर 7th पे कमीशन, तो वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 9,000 पर मंथ। अगला क्वेश्चन है, डेनेंस अलाउंस इज टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द, जो DA होता है वो हम लेते हैं जब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, इनकैशमेंट ऑफ लीव या कॉम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन। तो जब भी हमने रिटायरमेंट की ग्रेचुटी लेनी है तो उस टाइम हमारा जो है वो DA जो होगा वो लिया जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 40% ऑफ एडिशनल पेंशन ऑन बेसिक पेंशन इज एडमिसिबल टू द पेंशनर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ, जब 90 से 95 की एज हो जाती है तो हमें 40% जो है वो एडिशनल पेंशन दी जाएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब 95 से ऊपर हो जाएगा तो उसको 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर द रूल्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन अ पेंशनर इज ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट ओनली इफ हर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज लेस देन। अब ये बोल रहा है कि इस रूल के दौरान जिसके अंतर्गत कोई भी फैमिली का, मतलब फैमिली हमारा फैमिली डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट को छोड़ के जो भी हमारी फैमिली में है कितनी इनकम होनी चाहिए उसकी ताकि उसको जो है वो पेंशन दे सके, पेंशन, सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि अ मेंबर ऑफ द फैमिली तो गवर्नमेंट लाए अदर देन अ पेंशनर, मतलब हमारी फैमिली में मान लेते हैं किसी को पेंशन लगी हुई है, उसके अलावा हमारे कितने डिपेंडेंट कैसे माना जाएगा यदि उसकी इनकम जो होगी सभी सोर्सों से कितनी कम होनी चाहिए 1500 पर मंथ, ठीक है, उससे अगर कम है तभी वो डिपेंडेंट माना जाएगा अगर वो पेंशन नहीं लेता है तो। अगला क्वेश्चन है, इम्यूलमेंट फॉर ग्रेचुटी मीन्स, जो ग्रेचुटी होती है उसके अंदर क्या आता है, बेसिक पे प्लस डेनेस अलाउंसेस। नेक्स्ट है, प्रोविजनल पेंशन शैल बी सैंक्शनड द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, प्रोविजनल पेंशन उसको दी जाएगी जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है उसको। अगला बोल रहा है कि हाउ मैनी वर्किंग डेज आर स्पेशल ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉई हु अंडरगो वैस्कटोमी ऑपरेशन अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फॉर सेकेंड टाइम ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो कितनी छुट्टी दी जाएगी उसको, 3 डेज 5 डेज 10 डेज, तो इसका आप सही उत्तर है 6 डेज, ये अपडेट हुआ है तभी लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंटी लीव, पेटेंटी लीव के बारे में कौन सी इसमें लाइन गलत है, पेटेंटी लीव 15 दिन के लिए जाती है, ठीक है, इफ़ द लीव इज़ नॉट टेकन टिल 6 मंथ तो लैप्स हो जाएगी, ठीक है, 6 महीने के अंतर्गत अगर हमने वो लीव ना ली पेटर्निटी तो वो जो है वो
क्या होती है, लैप्स हो जाती है। पैटेंटी लीव को हम कंबाइन कर सकते हैं ईएल के साथ, ठीक है। इट कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, ऐसा नहीं है। मान लो आज अगर बच्चा किसी का पैदा हुआ है तो वो महीने बाद भी पैटेंटी लीव ले सकता है, दो महीने बाद ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटरनिटी लीव। पहला ऑप्शन है मैटरनिटी लीव कैन बी कम्बाइंड विद एनी अदर लीव, सही है। मैटरनिटी लीव फॉर एबॉर्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ फीमेल एम्प्लॉय हैज़ टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अवेलिंग कमिटेड लीव इन कॉन्टिन्यूस मैटरनिटी लीव, सही है। मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, सही है। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कमिटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। जो कमिटेड लीव होती है उसको हम कितने कब तक ले सकते हैं बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के? तो ये बोला अप टू मैक्सिमम 60 डेज बाय अ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 90 डेज इन एंटायर सर्विस कमिटेड लीव ले सकते हैं हम बिना मेडिकल के, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। और अप टू मैक्सिमम 60 डेज बाय फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर वो अडॉप्ट करती है अ चाइल्ड एक साल से कम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स हैविंग मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ। डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन कहलाएंगे? जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मीन्स एम्प्लॉय चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एडोप्टेड चिल्ड्रन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ लिमिट ऑफ 5 and 20 years। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडरटेकिंग जर्नी बाई ट्रेन द एडवांस फॉर LTC कैन बी ड्रॉन बिफोर। अगर मान लो किसी ने ट्रेन से अपना LTC का पैकेज लेना है, मतलब ट्रेन से उसने ट्रैवल करना है, तो उसे कितने दिन पहले जो है वो बताना पड़ेगा एडवांस के लिए? 125 दिन पहले, ठीक है। उसे टिकटें भी देनी पड़ेगी। इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ पनिश्ड विद स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अंडर माइनर पेनल्टी इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, जिस दिन से उसको मतलब वो ऑर्डर निकाला हुआ उस दिन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुड बी क्लोज। जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है वो कौन से केस में क्लोज होती है? अगर जिसके ऊपर केस चल रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो, ठीक है। कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस इज, कंपलसरी डिडक्शन एक है वो किस पे होता है? हाउस रेंट पे, ठीक है। इन टर्म ऑफ FR 55 फंडामेंटल रूल 55 विच काइंड ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड फॉर एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। तो कौन सी लीव जो है सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉय को दी जाती है? अर्न लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, हाफ पे लीव। तो एम्प्लॉय को कोई भी लीव नहीं दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल ऑर्डनली टू बी कम्प्लीट। जो प्री इंक्वायरी होगी वो 90 दिन के अंतर्गत जो है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरी ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर शैल बी सबमिट एन एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज ऑन 31 December अप टू 31 January तक देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कंप्लेंट कमेटी फॉर डीलिंग विद द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अगर मान लो कोई फीमेल एम्प्लॉई जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस करता है तो जो कमेटी बनती है उसके अंदर कितने वुमेन होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है हाफ ऑफ द टोटल नंबर, ठीक है। और कम से कम जो होगा 4 मेंबरी कमेटी होनी चाहिए, यह भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट अमाउंट टू मिसकनेक्ट, तो हैबिचुअल लेट अटेंडेंस ये क्या है? मिसकनेक्ट कहलाता है, ठीक है। सीकिंग रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट प्रॉब्लम, ये नहीं कहलाता है मिसकनेक्ट, ये कोई मिसकनेक्ट नहीं है, ठीक है। कि हम कोई कोर्ट में केस करते हैं कुछ भी, ठीक है, बिना परमिशन के कर सकता है कोई भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू सबमिट हिज TA क्लेम। TA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट एट अ प्लेस आफ्टर रिटायरमेंट। तो वो 180 दिन यानी कि 6 months के अंदर जो है वो अपना दे सकता है TA क्लेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट माइलेज अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाई ऑन टैक्सी और वेयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कंसर्न स्टेट और नेबरिंग स्टेट हैज़ नॉट रेगुलेटेड माइलेज अलाउंस। तो वहाँ होता है 16 रुपये पर किलोमीटर मिलते हैं। अगला, रिवाइज रेट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस रूल एज पर 7 CPC एप्लीकेबल फॉर्म। तो अभी 1 January 2024 से जो है वो नया जो है वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो लागू हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम पे एंड मैक्सिमम पे एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC। तो मिनिमम पे जो थी वो मिलेगी 18,000
और मैक्सिमम जो हो जाएगी वो होगी 2,50,000। ठीक है, एवरेज इमोल्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन कैलकुलेशन मींस, एवरेज इमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? अगर मैंने कोई पेंशन कैलकुलेट करनी है तो एवरेज इमोल्यूमेंट्स का मतलब एवरेज ऑफ द मंथली पेन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने में जो उसने सैलरी लिया है उसका एवरेज निकालेंगे वो उसको पेंशन मिलेगी। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई इफ़ ही कम्प्लीट्स हिज सर्विस फॉर 6 मंथ और अबव, तो उसको इंक्रीमेंट जो है वो लगेगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ विलफुल अब्सेंस इज ट्रीटेड एज डाइज नन फॉर इंक्रीमेंट पेंशन लीव, तो इन सभी के लिए जो है वो पीरियड ऑफ विलफुल अब्सेंस वो होगा उसको हम डाइज नन कहेंगे। ठीक है, ना ही उसको इंक्रीमेंट लगेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना लीव। अगला क्वेश्चन है, बिड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न, जो वो बिड सिक्योरिटी देगा कुछ अमाउंट जो होगा वो जिसने कोई परचेज करना उन्होंने अमाउंट फिक्स किया होगा अपने, ठीक है, टेंडर में। ठीक है, तो उसको बिड सिक्योरिटी कब मिलेगी? जब उससे हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की रसीद मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, परचेज ऑफ गुड्स मे बी मेड विदाउट इन्वाइटिंग कोटेशन, मतलब बिना कोटेशन के हम गुड्स जो है परचेज कर सकते हैं अगर उसके 25,000 से नीचे हैं। ठीक है, तो हम लोकल मार्केट से उसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 द एक्स ग्रेटिया अलाउंसेज टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज इन एन एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर मान लो कोई ड्यूटी देते टाइम एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा? 25,00,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, PFRDA स्टैंड फॉर, PFRDA होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगला है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस ओइंग टू एवोल्यूशन ऑफ हिज पोस्ट इज़ ग्रांटेड, गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिस्चार्ज होता है अपनी सर्विस से अगर उसके ऊपर कोई एवोल्यूशन लगता है, ठीक है, जो उसको पोस्ट दी है, तो उसको मिलेगा कंपनसेट अलाउंस। ठीक है, उसको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर आफ्टर एंटरिंग अ क्वालिफाइंग ऑफ 15 ईयर्स हिज पेंशन सैल बी वट परसेंट ऑफ एवरेज अवेलमेंट, तो उसको 50% जो है उसकी सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी 50%। एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ इज़ 1 जुलाई, वो रिटायर कब होगा? उसके पिछले महीने की आखिरी जो तारीख होगी, जैसे 30 जून, उसकी दोपहर में। ठीक है, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर रिसीविंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, दिस सर्टिफिकेट रिलेट्स टू, अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन के दौरान अगर उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस चाहिए तो वो कौन सर्टिफिकेट देगा? नॉन एम्प्लॉयमेंट, नॉन एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस प्रोफेशन और वायलेशन। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड, जो अगर हमको कोई सस्पेंड होता है तो उसका जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करेंगे कितने दिनों में? 3 मंथ, ठीक है, या फिर 90 डेज के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डज नॉट इंक्लूड रिइंबर्समेंट ऑफ, लेबोरेटरी फी देते हैं, एक्स्ट्रा कुलर देते हैं, डेवलपमेंट फी, एडिशनल एग्जामिनेशन फी, तो ये सारे के सारे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ फीमेल एम्प्लॉय हु हैज़ मेड अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे बी अलाउड स्पेशल लीव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी फॉर 90 डेज, मैक्सिमम 3 महीने की वो छुट्टी ले सकती है अगर वो कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस उसने कर रखा है तो स्पेशल लीव कहलाएगी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेश रिक्रूट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट आर एंटाइटल्ड LTC फैसिलिटी ऑफ 4 विजिट्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, कोई नया नया भर्ती होता है तो उसको 4 साल के अंतर्गत LTC की फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंतर्गत वो 3 बार घर जा सकेगा और 1 बार कहीं भी आउट ऑफ स्टेट अपने होम टाउन जा सकता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आर टू बी कैप्ट इन, जो लेटर ऑफ अप्रिसिएशन होता है वो उसको कहाँ रखते हैं? पर्सनल फाइल के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इस प्राइमरीली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फिजिकल वेरिफिकेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके मैनेजमेंट की है और ऑडिटर दोनों की होती है। ठीक है, अगला है, वेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय द फैमिली प्लानिंग अलाउंस कैन बी ड्रॉन बाई, जो प्लानिंग अलाउंस, फैमिली प्लानिंग मतलब नसबंदी कराना, बस कटोमी जो बोला है, तो उसका जो अलाउंसेस है वो कोई भी ले सकता है, या तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी। ठीक है, हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर MCAP नहीं होता है, MACP होता है। ठीक है, तो वो कितनी मिलेगी उसको? 3। ठीक है, 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद, फिर 30 साल बाद। और लास्ट क्वेश्चन है, इन्केसमेंट ऑफ EL अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग LTC इज़ परमिटेड प्रोवाइडेड अ बैलेंस ऑफ, कितना बैलेंस चाहिए होना चाहिए हमारी EL का ताकि हम LTC ले सकें। ठीक है,
और इन कैश करा सकते हैं 10 ईएल, तो हमारे पास कम से कम 30 दिन जो है वो ईएल रहनी चाहिए खाते में, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो भी क्लरिकल कैडर AR SO आदि एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल बने। चलिए जल्दी नई वीडियो